आप अपना तारफ कराएंगे, फिर आप जिन साहब से सवाल करना चाह रहे हैं सिर्फ एक सवाल करें और सवाल कीजिएगा प्लीज जी। माय नेम इज नवीद नवाज एंड माय क्वेश्चन इज फॉर ओवन बेनेट जोन्स। ओवन, एज यू नो दैट इट इज क्वाइट यूजुअल थिंग दैट जनरल्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज गिव डिक्टेशन टू द कोर्ट्स, टू द पॉलिटिशियंस एंड टू द मीडिया। My question to you is that has it ever happened in your country? And if it did, what was the reaction of the respondents? Good question. Or if it did not happen in the past, in case if it happens in the future, what do you predict? What will be the reaction of the media? Thank you very much. And the courts and the political leaders. Thank you. Your question is Owen. Yeah, quick. And see, answers are important. So you can come here. If I understood you correctly, you were saying. Thank you. How would you react to intelligence officials? How would UK journalists react to repression from the state, effectively? I believe we have it in a more subtle form. In Pakistan, it may be quite brutal. It is brutal. Journalists die here. In the UK, government employs literally thousands of people to control what we say. So do commercial companies, in order to get what they want into the newspapers, onto television and into radio. It is the same process. It is government control of what we write. It's just done with less violence. And I have to say, the press is compliant. And I think I stand in awe of Pakistani journalists who resist in the face of violence with more courage and principled determination than many of us manage in the West when we face people trying to control us. Thank you, Oman. I'm sure you at least will be able to make similar speeches in UK. Okay, जी. Next question, please. जी, मेरा नाम फारूक तारिक है और मेरा सवाल है सिद्धार्थ साहब से. सिद्धार्थ, आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में. और सवाल है, हमारा जो एक साथी इंडिया की जेल में बंद हैं न्यूज़ क्लिक के प्रबीर साहब, उनकी सेहत के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ आप बता सकेंगे कि उनके केस की मौजूदा सूरत हाल क्या है? और प्रबीर के बारे में जो वहाँ पे न्यूज क्लिक के एडिटर थे. सिद्धार्थ, यू वांट टू कम हियर? जनाब, सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्रबीर पुरकायस्थ, उनकी उम्र जो है तकरीबन 75 साल की है और पिछले अब 6 महीने से ये एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको बंद किया गया है. प्रबीर जो हैं ये फाउंडिंग एडिटर हैं न्यूज़ क्लिक, जो एक डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट है, इंडिपेंडेंट है, प्रो पीपल है. और इस वेबसाइट ने जो हिंदुस्तान में जो किसानों का जो आंदोलन चला और भी जो स्ट्रगल्स हैं लोगों के, उनके बारे में रिपोर्टिंग की है बड़े इंडिपेंडेंट और फ्री तरीके से. तो इन पे इल्ज़ाम जो है सरकार ने लगाया है कि आपने चीन से पैसा लिया है. और ये एकदम बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, क्योंकि सारा जो पैसा इनको मिला है वो बैंकिंग चैनल से मिला है और उसकी आइडेंटिटी सरकार को अच्छी तरह से पता है. लेकिन उसके बावजूद जो है ये केस फैब्रिकेट किया गया है और जिस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, इस कानून के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है. और इसी वजह से जो है इसको उन पे ये चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि अगर मामूली कानून के तहत उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती तो शायद अब तक उनको जमानत मिल जाती. तो मकसद यही है कि एक आदमी को जेल में रखो और हजारों की तादाद में लोगों को डराओ धमकाओ. थैंक यू सदा जी. मेरा सवाल जो नासिर जैदी साहब से है जी. जैदी साहब, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से जदोजहद की तारीख तो बहुत पुरानी है और आपने रोशनी भी डाली है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि मीडिया जो है
वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल, बल्कि कंट्रोल से भी अगली सूरत चल रही है, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ ना तो ट्विटर चल रहा है, ना फेसबुक और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं वो प्रॉपरली चल रही हैं, और जो रेगुलर मीडिया है उसको एडवाइस आती है और वो उस एडवाइस को फॉलो करता है। तो क्या ऐसी सूरत हो कि पाकिस्तान की जो साफियों की नुमाइंदा तंजीम है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इवन जो हमारे एक पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के साथ भी एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का सारे मामला हैं, कैसे ये मामला आगे बढ़े, क्योंकि इस वक्त तो वाकई आवाज़ जो है वो नहीं उठ रही। थैंक यू। और कोई बात नहीं हो रही। जी नासिर जादी साहब। देखिए बात यह है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर रही है। बेशुमार मवाक़े ऐसे आए हैं कि इलेक्शन के दौरान भी मीडिया को बंद किया गया। अब बात यह है कि ये तमाम एक्शंस तो हो रहे हैं, इन एक्शंस को के ख़िलाफ़ हमारे पास कौन सा रास्ता है रोकने का। हम पेटिशन में गए जब एक्स पर पाबंदी लगी हाई कोर्ट में, पहले तो हुकूमत जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि एक्स पर पाबंदी हमने लगाई है, फिर उन्होंने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट पे हमने पाबंदी लगाई है। और साथ ही ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि साथ ही जिन पेटिशनर्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के लिए पेटिशन हाई कोर्ट में दाखिल की थी उनको डीप स्टेट के लोगों ने फ़ोन किए और अपने ऑफिस में बुलाने की बात की और उनको प्रेशराइज करने की बात की कि आप ये पेटिशन वापस ले लें, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम किस तरह से इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद करें। लीगल पॉइंट पे भी हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पीएफयूजे के लेवल पे भी हम जो है इस मसले पे एक ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाने का सोच रहे हैं कि हमें इसके लिए जो है वो मुनज़्ज़म होकर पूरे पाकिस्तान में लोगों को अवेयर करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। एक ही रास्ता है कि हम सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, हमें एहतजाज करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम खालिद रांझा, एडवोकेट खालिद रांझा। क्योंकि ये सेशन आसमा जहांगीर साहबा के हवाले से है, तो आसमा जहांगीर इज़ रिमेम्बर्ड फॉर हर करेज, हर करेज टू फाइट, हर करेज टू नेम नेम्स। बट हमारे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी हो, हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो, मुझे लगता है कि आसमा जहांगीर की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हम उतने करेजियस नहीं हैं जितनी आसमा जहांगीर थी। हम ये कॉन्फ्रेंस तो हर साल करते हैं लेकिन वो जो उनके करेज की ट्रेड थी उनको हमने अभी तक अपनाया नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मॉडरेटर हैं इसलिए मैं आपको माफ़ी नहीं दूंगा, आप कुछ बात कीजिएगा कि हमारे साफियों को उठाया जाता है तो जो भी उठाया जाता है वो जब वो रिलीज़ होता है तो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज की सैर पे ले गए थे। तो वाई डोंट वी हैव द करेज टू नेम नेम्स? आप में ये करेज क्यों नहीं पैदा हुआ कि आप बताते कि आपके अबडक्टर्स कौन थे, आपके टॉर्मेंटर्स कौन थे, किन लोगों ने आपको उठाया, कहाँ रखा गया? जो भी उठाया जाता है वो कहता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज में ले जाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हमें कौन से प्रेशर्स हैं और कब हम इस पोजीशन में होंगे
कि वी हैव टू करेज टू नेम द नेम्स. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. ये ज़रूर शुमाली इलाका जात की बात भी हमारे एक साथी ने की थी, मगर मैंने जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, इमीडिएटली व्हेन आई वाज रिकवर्ड और वापस आया तो मैंने एक पूरा वीडियो लॉग भी किया था उसमें, और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट मैंने उसमें मुकम्मल बात भी कर दी थी, और उसके बाद मैंने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी पूरा रिकॉर्ड कराया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है. और ये सिर्फ उस दिन के वाक़े की बात नहीं है, पिछले 25-26 साल से जो मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सहाफत कर रहा हूँ, उस दौरान जितने भी मेरे साथ वाक़ात हुए हैं उन वाक़ात के अंदर जहाँ जहाँ ISI का जिक्र आया है वहाँ पर बाकायदा उसको मैंशन भी किया, और ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है. बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने एक समात में बाकायदा जनरल बाजवा ने जो एक इंटरव्यू दिया था किसी सहाफ़ी को, शायद मेहतला साहब को, उसका भी जिक्र हुआ, और उन्होंने जो बातें जनरल फैज़ के हवाले से की थी उनका भी जिक्र हुआ है. तो नाम तो आ रहे हैं और सबको पता भी है. अब देखना यह है कि हमारी अदलिया जो है वो किस हद तक मामलात को आगे ले जा सकती है. एक जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ के जो परपेट्रेटर हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसमें मैंने जैसे पहले सजेस्ट किया कि जो कोर्ट्स हैं, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, अगर वो जर्नलिस्ट के साथ मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा रिवाइव करती है जैसा कि जर्नलिस्ट डिफेंस काउंसिल था, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी, तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें फिर एग्जैक्टली नाम तक भी जाएंगी. और आपने देखा हामिद मीर साहब पर जो हमला हुआ था उसमें नाम आया था ना, उसमें सारी दुनिया के सामने नाम चला, मगर उस नाम के चलने के बाद क्या हुआ वो भी आपने देख लिया. सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ गए जिसमें एक जस्टिस अनवर सईद जमाली थे उस बेंच के हेड, मैं उसमें बतौर विटनेस पेश हुआ, सलीम शहजाद के केस में बतौर विटनेस पेश हुआ. वहाँ पे मैंने क्या कहा, जो सलीम शहजाद की रिपोर्ट है वो भी आप देख लें जो सामने आई, और जो हामिद मीर की जो रिपोर्ट है मुबैना तौर पे वो जो लीक हुई उसमें भी देख लें, मेरा बयान बकायदा उसमें लिखा हुआ है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है. ये बात नहीं है कि नाम कोई नहीं लेता, नाम सब लेते हैं, लेकिन फिर जो हमारे जजेज हजरात हैं मामला वो आगे फिर उससे नहीं चलता. तो बहुत शुक्रिया आपने यह सवाल किया. और नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स? ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर जोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द कॉन्फ्रेंस. द क्वेश्चन दैट आई हैव इज दैट when journalists try to report Please something introduce yourself first. Okay, first my name is Abdul Razak and I'd like to ask a question that when genuine journalism takes place one of the biggest issues that it faces is perhaps what is described as fake news, and even in the western countries the term fake news is being used in order to control or perhaps you know diminish the genuine journalism that is taking place. So how do you as a journalist reconcile between the need to control such fake news and how the actions taken might encroach on genuine news that is being presented in the country? So thank you very much. Thank you. I mean, I think the point I'm trying to make is that I agree with you that there are attempts to control Western journalists. I maybe should have made it clearer. I mean, the press officers, the public relations companies, the spin doctors, the communication strategists. It's a whole industry of people who are trying to ensure that what they want gets into the newspapers and television rather than what an independent journalist may want to get in. And it's extremely difficult to deal with because 24-hour news and newspaper deadlines, short staff, short of money, they rely on press releases, on steers from government, from officials, from companies in order to get content to fill their publications. So it's not easy to resist the temptation to take the information that is being spoon-fed to us and to repeat it. There is a solution. Just as I urged you to look at digital communities around the world, bringing journalists together with maybe foundation funding in order to be genuinely independent. And if you made applications from Pakistan, by the way, to these foundations, you would be very well received, and I've no doubt you would get funds to do this. But similarly, when it comes to independent journalistic output, the solution is there on YouTube, on Substack, on Twitter, on TikTok. Those are the platforms where you can say
what you want to say, unmediated by editors, by corporate machines that are, you know, desperately trying to turn out content. I mean, I understand where they're coming from and I can see their difficulties. But as independent journalists, you can now find platforms in order to promote yourself and even get paid on those platforms. So I think that is the future. It's being your own journalist and your own editor. Thank you very much, Owen. So I think we come to conclusion of this session. Thanks once again, Asma Jahangir Conference Management. Martin, I want to ask I can see some hands, but is this the last question, I'm sure? Okay. Just one last question, please. Yes, Iswar. Didi. Can we have the mic? Ji. Yeah, I have. Thank you, Mateen. Aapne jo hai wo question ka karne ka mauka diya. Zulkarnain Askar, disability rights pe kaam karta hu aur HRCP ka member hu. I have one question, Hamid Mir sahab, aap se aur jo Siddharth hai unse bhi. चले गए. लेकिन मेरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए, आप बहुत दफ़ा जो डिजिटल, स्पेशली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कोई अवामी मसला होता है उस वक्त वो अवामी मसले को छोड़ के वो फिर नया इशू क्रिएट कर देते हैं, उस पर बात करने लग पड़ते हैं, और प्रो पीपल जो है वो रिपोर्टिंग उमूमन जो है वो इग्नोर हो रही होती है. और उसको हम एक क्वेश्चन का पार्ट ये है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आवाम की आवाज़ वहाँ आनी वो आती. दूसरा पार्ट ये है कि जब ट्विटर बैन है, जो सिटीज़न जर्नलिज्म है, अगर आप वो देखें तो वो कितना कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो क्योंकि रियल मासेस की आवाज़ तो वहाँ से जा रही होती है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. हमद मीर साहब तो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो जा चुके हैं, बट आई एम श्योर आरफा, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं इस हवाले से. सिटीजन जर्नल, आप यहाँ आ जाए प्लीज. सिटीजन जर्नलिज्म को जो इस वक्त थ्रेट है सोशल मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. जी देखिए, यही हम आई थिंक हमारी बदकिस्मती यही रही है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे इस वक्त, कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए हैं, ना होने के बराबर हैं. उधर तो जो आम लोग हैं ना, उनकी बात होती है ना कोई गुंजाइश बची है. तो उम्मीद तो थोड़ी सी यही थी यहाँ जब मैं आई थी कि शायद हम भी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सामने आएंगे, सिटीज़न जर्नलिज्म जो हमारे वी लॉगर्स हैं कर रहे हैं. पर सिद्धार्थ साहब की बात सुन के मेरी उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खत्ते में अब इधर भी सब इसके ऊपर भी सेंसरशिप हो रही है. बट आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड. को पानी का रास्ता कैसे कितना रोकेगी रियासत, जो भी अब गुंजाइश है या स्पेस है हमारे पास वो सोशल मीडिया पे ही है. उस पर वो कदगने ज़रूर लगाएंगे, कोशिश भी करते रहेंगे, पर जैसे नासिर जैदी साहब की यहाँ प्रेजेंस चैनल जो है वो चल रहा है, हुकूमत या रियासत के पैसों से लड़े हम भी यही, जब रियासत के पैसों पे चलता है तो हम लीडर को या व्यूअर को तो अहमियत ही नहीं देते, उससे तो हम पैसे नहीं कमा रहे, तो हम क्यों क्वालिटी जर्नलिज्म करेंगे, मुझे ये लगता है. अखबार में जब हम थे हमें जहांगीर कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टू कंटिन्यू दिस वेंचर, एंड दिस इज द ओनली प्लेस एंड ओनली अपॉर्चुनिटी वंस अ ईयर इन लाहौर दैट पीपल लाइक अस आर एबल टू से थिंग्स व्हिच वी मे नॉट बी एबल टू से थ्रू आउट द ईयर. So once again, a big thanks and a round of applause for Asma Jahangir Conference Management. Thank you very much.